नमस्कार। कॉन्फेडरेशन ऑफ केरला सहोदय कॉम्प्लेक्स द्वारा आयोजित इस पैनल चर्चा पर आप सबका स्वागत। केरल के सभी सीबीएसई विद्यालयों को जो विभिन्न सहोदय से जुड़े हुए हैं, एक छत के नीचे लाने में कॉन्फेडरेशन का योगदान अत्यंत महत्वपूर्ण है। संस्था के शैक्षणिक तथा प्रशिक्षण विभाग अध्यापकों को प्रशिक्षण देने में तथा उनकी कार्य कुशलता को बढ़ाने में हमेशा कार्यरत रहती है। आज की इस चर्चा का मुख्य उद्देश्य है आने वाली परीक्षा में यानी सीबीएसई के 10वीं तथा 12वीं कक्षा के द्वितीय सत्र की परीक्षा में आए हुए बदलावों का एक अवलोकन। अभी हम थोड़ी समय में लगभग 30 मिनट के अंतर इस साल के प्रश्न पत्र तथा पिछले साल की तुलना में इस बार आए हुए परिवर्तनों पर एक विश्लेषणात्मक चर्चा करेंगे। मैं हूं लता, चिन्मय विद्यालय त्रिशूर की अध्यापिका। मैं इस चर्चा का संचालन करने वाली हूं। मेरे साथ जुड़ी हुई है प्रश्न पत्र पर चर्चा करने के लिए श्रीमती बीना हवंस विद्या मंदिर इरिग्यालकुड़ा की हिंदी अध्यापिका, श्रीमती सौम्या चिन्मय विद्यालय कन्नमाली की हिंदी अध्यापिका, श्रीमती माया नायर निर्मल माता सेंट्रल स्कूल त्रिशूर की हिंदी अध्यापिका। चर्चा को आगे बैठाने के लिए मैं तीनों मित्रों का सहर्ष स्वागत करती हूँ। शुरू करते हैं हम 10वीं कक्षा के साथ। 10वीं कक्षा के प्रश्न पत्र में दो खंड होते हैं। खंड का में पाठ्य पुस्तक स्पर्श तथा पूरक पुस्तक संचयन पर आधारित प्रश्न पूछे जाते हैं। खंड खा इसमें बिल्कुल रचनात्मक लेखन पर आधारित प्रश्न पूछे जाते हैं। अब हम शुरू करते हैं प्रश्न पत्र पर चर्चा। बीना जी, हम आपसे सुनना चाहते हैं कि पाठ्य पुस्तक पर आधारित प्रश्न किस तरह पूछे जाते हैं, ये प्रश्न किन किन कौशलों पर आधारित है, इसके उत्तर लिखते समय बच्चों को किन किन बातों पर ध्यान देना है, इसका अंक विभाजन किस तरह है। बीना जी आप बोलिए। धन्यवाद लता जी, नमस्ते। दसवीं कक्षा के द्वितीय सत्र के परीक्षा निकट आ रहा है। यह परीक्षा वर्णनात्मक है। प्रश्न पत्र में 40 अंक है। प्रश्न पत्र में 8 प्रश्न पूछा जाएगा। पहला खंड का में पाठ्य पुस्तक स्पर्श एवं संचयन पर आधारित प्रश्न पूछा जाएगा, इसके लिए 14 अंक है। दूसरा खंड खा में लेखन के विविध प्रश्न पूछा जाएगा, जो 26 अंक का होता है। पाठ्य पुस्तक स्पर्श से 5 पाठ, मनुष्यता, पर्वत प्रदेश में पावस, कर चले हम फिदा, पदच्छर में टूटी पतियां से छेन की दे और कारतूस, संचयन से 3 पाठ, हरिहर काका, सपनों के से दिन और टॉपी शुक्ला। हम प्रश्न पत्र का विस्तार से अवलोकन करेंगे। पाठ्य पुस्तक से केवल 3 प्रश्न पूछा जाएगा। प्रश्न संख्या 1 में 3 प्रश्न दिए होंगे, इसमें छात्रों को 2 प्रश्नों का उत्तर देना है। हर एक प्रश्न 2 अंक का होता है। शब्द सीमा 25 से 30 शब्द है। कम से कम 2 बिंदुओं का उल्लेख करके उत्तर देना है। अर्थग्रहण विश्लेषणात्मक एवं तुलनात्मक प्रश्न पूछा जाएगा, जो गद्य और पद्य से हो सकता है। प्रश्न संख्या 2 में 1 प्रश्न का उत्तर लिखना है, यह भी विकल्प सहित है। 2 प्रश्नों में से 1 प्रश्न का उत्तर देना है। 4 अंक का होता है। किसी स्थिति पर आधारित प्रश्न गद्य व पद्य भाग से पूछा जाएगा। उच्च चिंतन क्षमता एवं अभिव्यक्ति का आकलन करने वाले प्रश्न का उत्तर लिखते समय
तीन चार बिंदुओं का उल्लेख करना अनिवार्य है। शब्द सीमा 60 से 70 शब्द है। उप प्रश्नों का भी ध्यान देना, बच्चों को उप प्रश्नों का ध्यान भी देना चाहिए। प्रश्न के अनुसार छात्र को खुले विचार भी प्रकट करना है। अब प्रश्न संख्या 3 के बारे में, यह प्रश्न पूरक पाठ्य पुस्तक संचयन के 3 पाठों पर आधारित है। कुल 3 प्रश्नों में से 2 का उत्तर देना अनिवार्य है। हर एक प्रश्न 3 अंक का है। शब्द सीमा 40 से 50 शब्द है। 3 बिंदुओं का उल्लेख अपेक्षित है। सामाजिक प्रतिबद्धता, छात्रों के चिंतन क्षमता एवं अपने अनुभव से उत्तरों को जुड़ना है। तो यहाँ छात्रों के चिंतन क्षमता एवं अनुभव और सामाजिक प्रतिबद्धता के बारे में कहा गया है, और हमें इस प्रकार आए तो जो पार्ट होते हैं इसमें 2 पार्टों में एक ही प्रकार के भाव आते हैं, तो उसको जुटकर ही बच्चों को पढ़ाना चाहिए। तो उदाहरण के रूप में हम कह सकते हैं कि टॉपी शुक्ला और हरिहर कागा पार्ट में, जो टॉपी शुक्ला और इफन की दादी के बीच में जो संबंध होते हैं, और हरिहर कागा और लेखक के बीच में जो संबंध है, वह जाति, धर्म, आयु इन सबसे परे है। तो इस प्रकार अध्यापकों को जो पाठ आते हैं इसके केंद्रीय भाव को बच्चों को समझाना है। मुझे लगता है कि अब पाठ्य पुस्तक के प्रश्नों के उत्तर कैसे लिखना है और इसी तरह से इससे पूरी तरह से आप समझ गए हैं। धन्यवाद। बीना जी, आपने पाठ्य पुस्तक के आधार पर पूछे जाने वाले प्रश्नों के बारे में बहुत विस्तार से हमें समझाया है। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपने कहा है कि सामान्य स्तर के बोधात्मक प्रश्न होंगे, प्रश्न पत्र में अभिव्यक्ति कौशल पर आधारित प्रश्न होंगे, आलोचनात्मक चिंतन पर आधारित प्रश्न होंगे। हमारे प्रश्न पत्र में खुले वैचारिक उत्तरों वाले प्रश्न पूछे जाएंगे। इसका मतलब यही है कि इस बार स्पून फीडिंग वाले प्रश्न बिल्कुल नहीं मिलते। अध्यापकों को चाहिए कि पुस्तक के सभी पाठों को जोड़कर पढ़ाना चाहिए और 2 पाठों का तुलनात्मक अध्ययन भी करवाना चाहिए। इस बात को आपने बहुत अच्छी तरह हमें समझाया। धन्यवाद बीना जी। अब हम देखेंगे खंड ख रचनात्मक लेखन के अंतर्गत किस तरह के प्रश्न आता है। सौम्या जी, आप बताइए कि खंड ख में कितने प्रश्न पूछे जाते हैं और इसका अंक विभाजन किस प्रकार है, और इसका उत्तर लिखते समय बच्चों को किन किन बातों का ध्यान देना चाहिए, आप बोलिए सौम्या जी। धन्यवाद लला जी। आइए प्रश्न पत्र के लेखन भाग पर ध्यान देंगे। लेखन कुल 26 अंगों का है। प्रश्न 4 से लेकर प्रश्न 8 तक लेखन से संबंधित प्रश्नों है। पहला प्रश्न तो 6 अंक के अनुच्छेद लेखन है। अनुच्छेद निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना चाहिए। 3 विषय दिए होंगे, इसमें से किसी एक विषय पर अनुच्छेद लिखना है। संकेत बिंदुओं के आधार पर लगभग 150 शब्दों में अनुच्छेद तैयार करना है। अनुच्छेद लेखन में मुख्य विषय से भटकना नहीं है, अनावश्यक विस्तार से बचने का प्रयास करना है। वाक्य के बीच निकटता और सहसंबंध होनी है। छोटे छोटे वाक्यों का प्रयोग करना अच्छा होगा। भाषा सरल, बोधगम्य और सहज होनी है। विषय के सभी प्रमुख बिंदुओं को समावेश में लेना आवश्यक है। अब हम अंग विभाजन पर ध्यान देंगे। इस प्रकार है, भूमिका के लिए 1, विषय वस्तु के लिए 4, भाषा के लिए 1। अगला प्रश्न है औपचारिक पत्र। ये भी विकल्प सहित है। 2 प्रश्नों दिए होंगे, इसमें से 1 लिखना है। 5वां अंग है, लगभग
120 शब्दों में लिखना है। अनुच्छेद लेखन में हमने शब्द सीमा 150 में था, लेकिन अब पत्र में तो 120 है। पत्र में आवश्यक बातों का विस्तार ना देकर संक्षिप्त में अपनी बात प्रभावपूर्ण तरीके से कही जानी चाहिए। पत्र का विषय स्पष्ट होना है। पत्र की भाषा आदर सूचक एवं सरल होनी है। पत्र की समाप्ति इस प्रकार होनी है कि पत्र का उद्देश्य स्पष्ट हो सके। पत्र में तथ्यों और सूचनाओं को अधिक महत्व देना है। पत्र लिखते समय आलंकारिक भाषा के प्रयोग से मुक्त रहना। औपचारिक पत्र का अंग विभाजन इस तरह के आरंभ और अंत की औपचारिकता के लिए एक अंक, विषय के लिए, विषय वस्तु के लिए 3, भाषा के लिए 1। तो अगला प्रश्न है सूचना लेखन। संक्षिप्त में संपूर्ण जानकारी लोगों तक पहुंचाना सूचना लेखन का उद्देश्य है। ये प्रश्न भी विकल्प सहित है, लेकिन ध्यान देने की बात यह है कि का और घ प्रश्नों में दिए गए दो दो विषयों में से एक एक विषय पर सूचना लिखना है, यानी टाई टाई नंबर के 2 सूचना लेखन लिखना है, कुल 5 अंक के। सूचना लिखते समय हम यह बातों का ध्यान रखना चाहिए। आरंभ में सूचना जारी जाने वाली संगठन और संस्था का नाम लिखना है। सूचना में दिनांक, स्थान तथा समय स्पष्ट होना है। सूचना की भाषा सरल तथा सहज होनी है। सूचना लगभग 50 शब्दों में लिखना है। सूचना जिसकी ओर से जारी की गई है उसका नाम, पद आदि अंत में लिखना है। इसका अंग योजना इस तरह है, प्रारूप के लिए 1, विषय के लिए 1 और भाषा के लिए आधा। तो 7वां प्रश्न की ओर जाएंगे। 7वां प्रश्न तो विज्ञापन लेखन है, ये भी विकल्प सहित प्रश्न है सूचना की तरह। एक प्रश्न में 2 प्रश्न होंगे इसमें से 1, फिर भी 2 प्रश्न होंगे इसमें से 1 लिखना है। विज्ञापन लेखन में ध्यान देने की बात यही है कि नारे और सुलेख, स्लोगन और प्रेरक वाक्यों का प्रयोग करना चाहिए, और चाहे तो चित्रों या रेखा चित्रों का प्रयोग करें। कम शब्दों में उत्पत्ति की विशेषताओं और महत्व को प्रभावशाली तरीके से बताना है। शीर्षक आकर्षित तथा नवीन होना है। विज्ञापित वस्तु केंद्र बिंदु हो। विज्ञापन में ध्यान आकर्षित करने की क्षमता होनी है। उत्पत्ति की कीमत स्पष्ट रूप से लिखना है। मुफ्त मिलने वाले चीज का उल्लेख अवश्य देना। लिखावट आकर्षक होनी चाहिए तथा अलग अलग तरह के लिखावट का इस्तेमाल कर विज्ञापन को और भी आकर्षक बनाया जा सकता है। पहले आइए, पहले पाइए, ऐसा अवसर फिर नहीं आएगा। जल्दी करो, स्टॉक सीमित, जैसे रोचक शब्दों का इस्तेमाल अवश्य करना है। ये विज्ञापन को और भी प्रभावित करेंगे। विज्ञापन के अंत में अपना संपर्क नंबर यानी फोन नंबर अवश्य दे। यहां भी विषय वस्तु के लिए 1, प्रस्तुति के लिए 1, भाषा के लिए आधा। अंतिम प्रश्न की ओर जाएंगे। अंतिम प्रश्न लघु कथा है। लगभग 120 शब्दों में लिखना। शीर्षक के आधार पर ही कहानी का विस्तार करना है। अंत में कहानी से मिलने वाली सीख स्पष्ट व संक्षिप्त होनी है। कहानी का आरंभ आकर्षक होनी है, साथ ही साथ अंग सहज ढंग से होनी है। अंग विभाजन इस तरह है कि विषय वस्तु प्रस्तुति दोनों के लिए 2-2 अंक है, भाषा के लिए 1। प्रश्न पत्र में आए सभी प्रश्नों पर चर्चा की गई है। आशा करती हूँ कि आप सब अच्छे से समझ गए होंगे।
सौम्या जी, आपने बहुत विस्तार से प्रश्न पत्र का अवलोकन किया है, बहुत अच्छी बात किया है आपने। और आपने कहा है कि अनुच्छेद रचनात्मक लेखन के अंतर्गत अनुच्छेद लेखन आता है, पत्र लेखन आता है जो औपचारिक पत्र है, सूचना लेखन है, विज्ञापन लेखन है और लघु कथा लेखन भी आता है। तो रचनात्मक लेखन में छात्र ज्यादा अंक हासिल कर सकते हैं, लेकिन यहाँ लिखने में ज्यादा समय भी जाते हैं। मेरा भाई ये है कि हमारे बच्चों ने पिछले 2 सालों से कुछ भी नहीं लिखा है और उनके लिखने का आदत बिल्कुल कम हो गया है, तो इसलिए समय सीमा तथा शब्द सीमा पर ध्यान रखकर उत्तर लिखने का आदत उन्हें सिखवाना ही चाहिए। यह अध्यापकों की एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी होगी इस बार। तो द्वितीय सत्र के 10वीं कक्षा के प्रश्न पत्र में 40 अंक के लिए प्रश्न पूछे गए होंगे और बाकी जो 10 मार्क है, 10 अंक है, वह आंतरिक मूल्यांकन के लिए है। बीना जी, आप हमें बताइए कि यह आंतरिक मूल्यांकन किस प्रकार किया जा सकता है? पहले सत्र में हम कैसे आंतरिक मूल्यांकन किया है उसी प्रकार ही करना है। ठीक है, तो बीना जी ने कह दिया कि पहले सत्र में हमने जिस प्रकार आंतरिक मूल्यांकन किया था, ठीक वैसे ही इस सत्र में भी आंतरिक मूल्यांकन करना चाहिए। तो अब हम देखेंगे कि 12वीं कक्षा के प्रश्न पत्र किस प्रकार होगा। क्या यह स्टूडेंट फ्रेंडली है? क्या इस पर छात्र आसानी से अंक हासिल कर सकते हैं? 12वीं कक्षा के प्रश्न पत्र को विस्तार से अवलोकन करने के लिए हमारे साथ जुड़ी हुई है हमारी माया मैम। अगर आप कान देकर उनकी बातें सुने तो बाद में काम जरूर आएगी। माया जी, अब आपकी बारी है, आप बोलिए। धन्यवाद लता जी। जैसा कि आप सब जानते हैं कि प्रथम सत्र का जो प्रश्न पत्र था वो वस्तुनिष्ठ था, जबकि द्वितीय सत्र का जो प्रश्न पत्र है वो वर्णनात्मक है। ऐसा विश्वास है कि वर्णनात्मक होने के कारण छात्र अच्छे अंक हासिल करने में जरूर सक्षम होंगे। आज हम द्वितीय सत्र के प्रश्न पत्र का अवलोकन करेंगे। द्वितीय सत्र में सम्मिलित जो पाठ भाग है उसमें काव्य खंड में शमशेर बहादुर सिंह की उषा, तुलसीदास की कवितावली, लक्ष्मण मूर्छा और राम का विलाप, फिराक गोरखपुरी की रुबाइयां और गजल है। गद्य खंड में फणीश्वर नाथ रेणु का पहलवान की ढोलक, रजिया सद्दाक जहीर का नमक, बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का श्रम विभाजन और जाति प्रथा, मेरी कल्पना का आदर्श समाज। अनुपूरक पाठ्य पुस्तक में ओम धानवी का अतीत में दबे पांव और एन फ्रैंक का डायरी के पन्ने हैं। प्रश्न पत्र में कुल 7 प्रश्न होंगे। इसमें प्रथम प्रश्न जो है वो रचनात्मक लेख का है, जो लगभग 200 शब्दों का होना चाहिए और इसमें 3 विषय दिए जाएंगे और छात्रों को किसी एक विषय का चयन करना है और उसके 5 अंक दिए जाएंगे। अंक विभाजन इस प्रकार है, 1 अंक भूमिका पर, 3 अंक विषय वस्तु पर और 1 अंक भाषा पर। अध्यापकों को चाहिए कि छात्रों को इसका सही ज्ञान दें कि बिंदुओं का क्रमानुसार और व्यवस्थित ढंग से प्रयोग किया जाए, विचारों की पुनरावृत्ति न की जाए और विराम चिन्हों का सही प्रयोग किया जाए। दूसरा प्रश्न जो है वह औपचारिक पत्र लेखन का है। 5 अंक का यह प्रश्न भी विकल्प सहित है। पिछले सालों में इस प्रकार के प्रश्न पूछे जा चुके हैं जिससे छात्र बहुत अच्छी तरह से परिचित हैं। इसका मूल्यांकन इस प्रकार होगा। आरंभ और अंत की जो औपचारिकताएं हैं उसके लिए 1 अंक दिया जाएगा और विषय वस्तु के लिए 3 और भाषा के लिए 1 अंक दिया जाएगा। तीसरा और चौथा जो प्रश्न है वह अभिव्यक्ति और माध्यम पुस्तक पर आधारित है और इसके मुख्य विषय इस प्रकार हैं,
कैसे करें कहानी का नाट्य रूपांतरण, कैसे बनता है रेडियो नाटक, नए और अप्रत्याशित विषयों पर लेखन, पत्रकारीय लेखन के विभिन्न रूप और लेखन प्रक्रिया, विशेष लेखन स्वरूप और प्रकार, इन विषयों पर दो दो लघुतरीय प्रश्न विकल्प सहित पूछे जाएंगे। दो प्रश्न 3 अंक के होंगे और 2 प्रश्न 2 अंक के होंगे। माया जी, आपने बोला, आपने कहा कि पत्रकारीय लेखन के विभिन्न रूप और लेखन प्रक्रिया, वो विषय इस बार भी होगा। तुम यही विषय पिछले सत्र में भी, हमारे पिछले सत्र में भी इसी विषय पर आधारित वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछे गए थे। क्या इस पर आधारित वर्णनात्मक प्रश्न इस सत्र में आता है? जी लता मैम, आपने बिल्कुल सही कहा कि पत्रकारीय लेखन के विभिन्न रूप और लेखन प्रक्रिया जो है वो पिछले सत्र में भी था और इस सत्र में भी है। अध्यापकों को इस बात का ध्यान रखना है कि यही एक ऐसा विषय है जो दोहराया गया है, और पिछले सत्र में उसका वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछे गए थे, तो इस बार उसके वर्णनात्मक प्रश्न पूछे जाएंगे। सही बात है, तो अध्यापकों को इस बात का बहुत ध्यान रखना चाहिए। ठीक है माया जी, अब आगे बोलिए। 5वां और 6ठा प्रश्न जो है वो पाठ्य पुस्तक आरोह पर आधारित है। 5वें में 3 प्रश्न पूछे जाएंगे जिनमें से 2 के उत्तर छात्रों को लिखने हैं, जो कि कविता पर आधारित होंगे, और 6ठे में 4 प्रश्नों में से 3 छात्रों को लिखने हैं जो कि गद्य भाग पर आधारित होंगे। छात्रों को ध्यान में रखना है कि कम से कम 3 बिंदुओं का उल्लेख करें, क्योंकि सभी प्रश्न के 3 अंक दिए जाएंगे और शब्द सीमा जो है वो 50 से 60 शब्दों की होगी। 7वां प्रश्न जो है वो अनुपूरक पाठ्य पुस्तक वितान से लिया गया है और इसमें 2 प्रश्न पूछे जाएंगे जो कि विकल्प सहित ही होंगे। पहला 3 अंक का और दूसरा जो है 2 अंक का होगा। आशा है कि आप सभी प्रश्न पत्र के प्रारूप से अच्छी तरह से परिचित हो गए होंगे। धन्यवाद माया जी, आपने बहुत अच्छी तरह प्रश्न पत्र का अवलोकन किया, बहुत धन्यवाद। और मैं आपसे एक और बात पूछना चाहती हूँ कि गद्यांश और पद्यांश पर आधारित प्रश्न इस बार ऐसा कोई प्रश्न नहीं आता है, क्योंकि पिछले साल गद्य और पद्य से प्रश्न पूछे गए थे, लेकिन पाठ से संबंधित गद्य या पद्य दिए होते थे और उस पर आधारित प्रश्न पूछे गए थे, और काव्य सौंदर्य पर आधारित प्रश्न भी पिछले साल पूछे गए थे। तो इस साल ऐसा कोई प्रश्न आएगा नहीं आएगा, है ना? जी लता जी, इस साल जो है गद्यांश और पद्यांश पर आधारित जो प्रश्न है वो बिल्कुल पूछे नहीं जाएंगे, और साथ ही साथ काव्य सौंदर्य पर आधारित जो प्रश्न पिछले साल पूछे गए थे ऐसे प्रश्न भी इस बार प्रश्न पत्र में नहीं होंगे। छात्रों से पाठों में से सीधे प्रश्न पूछे जाएंगे, इसलिए मैंने आरंभ में कहा था कि इस बार छात्रों अच्छे अंक हासिल करने में बहुत सक्षम होंगे, क्योंकि पाठ से सीधे प्रश्न उनसे पूछे जाएंगे। एक और बात आपको बताना चाहूंगी कि आंतरिक मूल्यांकन जो है वो पिछले सत्र में श्रवण और वाचन पर आधारित था और इसके 10 अंक दिए गए थे। द्वितीय सत्र में ये बिल्कुल अलग है, इसमें छात्रों को परियोजना कार्य पर आधारित 10 अंक दिए जाएंगे, और ये परियोजना कार्य जो है वो हस्तलिखित ही काफी होगा। माया जी, बहुत बहुत धन्यवाद। और आज की ये चर्चा कॉन्फेडरेशन ऑफ केरला सहोदय कॉम्प्लेक्स का एक आरंभिक प्रयत्न है। आशा करती हूँ कि ये चर्चा 10वीं तथा 12वीं कक्षा के छात्रों और अध्यापकों को लाभदायक सिद्ध हुई होगी। कॉन्फेडरेशन ऑफ केरला सहोदय को हमारा हार्दिक धन्यवाद। मैं अपने पैनल के सभी सदस्यों को उनकी भागीदारी तथा प्रतिबद्धता के लिए धन्यवाद देती हूँ। परीक्षा के लिए तैयारी करने वाले सभी बच्चों और अध्यापकों को हमारी ओर से शुभकामनाएं।
सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते।